तो गाइस मनी इन द बैंक के बाद जो अगला इवेंट होने वाला है उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, उसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो वो होगा समर स्लैम मैच, जिसके बारे में हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं उस मैच को देखने के लिए। गाइस इस बार समर स्लैम मैच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि ब्रॉक लेसनर का मैच देखने को मिल सकता है, उसके बाद सेथ रॉलिंस, उसके बाद रोमन रेंज का भी मैच देखने को मिल सकता है। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले मैच कार्ड प्रेडिक्शन के बारे में, अब तक के कितने मैच प्रेडिक्ट हुए हैं समर स्लैम मैच के लिए। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। गाइस इस बार समर स्लैम का पहला मैच होने जा रहा है रोमन रेंज वर्सेस जे उसो के बीच। तो गाइस इस मैच को देखने के लिए मैं अपना पर्सनली बता दूं तो मैं इस मैच के देखने के लिए काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हूं, क्योंकि जिस तरह इनका राइवलरी काफी समय से चलता आ रहा है तो इस मैच में देखने के लिए काफी बवाल देखने को मिलने वाला है, जहां रोमन रेंज के साइड लेने वाले हैं सोलो सिकोवा और पॉल हीमन, वहीं जे उसो के साथ लेने वाले उनके भाई जिमी उसो। वैसे गाइस आपको क्या लगता है इस मैच का कौन विनर होने वाला है, जे उसो या फिर रोमन रेंज? उसके बाद समर स्लैम का दूसरा मैच होने जा रहा है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैच में होने वाले सेथ फ्रेकिन रॉलिंस, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है, और इनके सामने होंगे फिन बैलर। गाइस आपको बता दें इस मैच में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है। इस मैच में मनी इन द बैंक लेकर डेमियन प्रिस्ट इस मैच में कैश इन करने वाले होंगे। डेमियन प्रिस्ट को देखने के बाद फिन बैलर उनके ऊपर ब्रॉल हो जाएंगे, जिससे कि सेथ रॉलिंस इस मैच को काफी आसानी से जीत सकते हैं। गाइस जजमेंट डे टूटते हुए दिखाई देगी और आगे चलकर डेमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर एक मैच देखने को मिल सकता है। वैसे गाइस आप कौन बता सकते हैं इस मैच का कौन विनर होने वाला है, क्या फिन बैलर होंगे या फिर सेथ रॉलिंस होंगे? इसके बाद गाइस समर स्लैम का तीसरा मैच देखने को मिलने वाला है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड के बीच। इनके बीच जो इस बार का मैच फिक्स किया गया ये देखने को मिलने वाला है फुल रोप मैच। गाइस इस मैच को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जहां ब्रॉक लेसनर होंगे वहां तो काफी ज्यादा उथल पुथल होगा। इस मैच में ब्रॉक लेसनर काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय करने वाले हैं कोडी रोड के, पर इस मैच का विनर जो होगा वो कोडी रोड ही होंगे। गाइस इनका मैच काफी समय पहले ही कंफर्म हो चुका था। उसके बाद गाइस समर स्लैम का चौथा मैच देखने को मिलने वाला है इस बार ट्रिपल थ्रेट मैच। मैच में होंगे चार्लेट प्लेयर, ऑस्का और उसके बाद बियंका प्लेयर। और गाइस ये मैच होगा वीमेन चैंपियनशिप मैच, जहां इस मैच में जो विनर होगा वो दोनों टाइटल को होल्ड करने वाला है। वैसे गाइस आपको क्या लगता है इस मैच का कौन विनर होने वाला? वैसे मैं बता दूं इस मैच का विनर हो सकती है चार्लेट प्लेयर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट समर स्लैम का पांचवा मैच देखने को मिल सकता है, जो कि है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लॉगन पॉल वर्सेस रिकेट सेट के बीच। गाइस अगर इन दोनों रेसलर के बारे में बात किया जाए तो ये दोनों रेसलर काफी ज्यादा पोटेंशियल सुपरस्टार हैं। इनका जो मैच होगा वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिलने वाले हैं इनके बीच। गाइस अब इनका तो एक्शन देख ही होंगे कि रॉयल रंबल आखिर किस तरह इन्होंने अपना एक्शन दिखाया था। बात करें इस मैच का विनर कौन होने वाला है, तो एब्सोल्युटली इस मैच के विनर होने वाले हैं लॉगन पॉल। लॉगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ ज्यादा ही फेवरेट है, तो इस मैच के विनर होने वाले हैं लॉगन पॉल। उसके बाद नेक्स्ट समर स्लैम का छठवां मैच होने जा रहा है साइना बाल्जर वर्सेस रोंडा राउजी। वैसे अगर बात करें इन दोनों रेसलर की तो दोनों रेसलर यूएफसी फाइटर रेसलर हैं। रोंडा राउजी और साइना बाल्जर काफी अच्छे प्रोफेशनल रेसलर थे यूएफसी के। कुछ समय पहले ये काफी अच्छे दोस्त भी थे, आगे चलकर इनका मनी इन द बैंक में ब्रेकअप हो गया, जहां इन्होंने अपना फ्यूड स्टार्ट कर लिया। समर स्लैम में इनकी भी सिंगल मैच देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ होगी रोंडा राउजी और दूसरी तरफ होने वाली है साइना बाल्जर। वैसे अगर बात करें विनर प्रेडिक्शन की तो इस मैच का विनर होने वाले हैं एब्सोल्युटली रोंडा राउजी। नेक्स्ट आगे चलकर नेक्स्ट मैच देखने को मिलने वाला, जो कि समर स्लैम का सातवां मैच होगा, वो होगा गुंथर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच। गाइस इस मैच में गुंथर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं ड्रू मैकइंटायर के साथ। गुंथर इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लॉन्गेस्ट रेंजिंग वाले चैंपियन हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है ड्रू मैकइंटायर गुंथर को डिथ्रोन कर पाएंगे या फिर नहीं? गाइस हमें लगता है कि इस मैच का जो विनर होने वाला है वो गुंथर ही होंगे इस बार का। नेक्स्ट समर स्लैम का आठवां मैच देखने को मिलने वाला है बैकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्टेटस के बीच। ये दोनों रेसलर पहले काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर इनका फ्यूड स्टार्ट हो चुका है। जो इस बार का मैच होने वाला है समर स्लैम का ये होगा सिंगल समर स्लैम मैच। वैसे गाइस अगर बात करें इस मैच का विनर कौन होगा, तो इस मैच का विनर हो सकते हैं बैकी लिंच। आपको क्या लगता है इस मैच का कौन विनर होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद लास्ट फाइनली समर स्लैम का लास्ट मैच देखने को मिल सकता है ऑस्टिन थियरी वर्सेस सेमस के बीच। इस मैच में ऑस्टिन थियरी जो की ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है और अपना टाइटल डिफेंस कर रहे हैं गुंथर के साथ, इस समय सेमस को काफी अंडर रेट किया जा रहा है, क्योंकि काफी समय से एक भी सिंगल मैच जीत नहीं पाए हैं सेमस। ऐसा लगता भी है कि इस मैच का जो विनर होंगे वो ऑस्टिन थियरी होंगे। समर स्लैम के आठ मैच कार्ड जो कि अभी तक प्रेडिक्ट हुए हैं। गाइस वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलने ही वाला है।